नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में फिंगरप्रिंट को लेकर। खास करके कई सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट की शुरुआत करने की बात जो है बिहार सरकार की तरफ से की गई है। ऐसे में अब अपराधियों की पहचान भी जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से की जाएगी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए बिहार सरकार ने पुलिस के कार्य प्रणाली में बदलाव करने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार बहुत ही जल्द आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब एक नई तकनीक की शुरुआत करने जा रही है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द यह एक सटीक कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी, जो कि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी असरदार होने वाला है। बता दें कि इसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट को लेकर डाटा तैयार किया जा सकेगा, जिससे कि अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें जो है पकड़ने में पुलिस को सहूलियत मिल सके। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि नई तकनीक बिहार पुलिस के लिए कितना कारगर साबित होता है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस को अगर किसी भी घटना के दौरान घटना स्थल पर किसी भी तरह का हथियार या फिर कोई भी साक्ष्य सामान अगर उन्हें मिलता है, तो उसे सबसे पहले अब फिंगरप्रिंट की जांच की जाएगी, जिससे कि अपराधियों के संलिप्त होने की बात आसानी से पकड़ा जा सकता है या फिर अपराधी जो है उसमें सामने आ सकते हैं। बिहार पुलिस की यह योजना अभी प्रक्रियारत है। इसको लेकर अभी प्रदेश के जिलों से डाटा की मांग की गई है। डाटा मिलने के बाद बिहार पुलिस के सेंट्रल ऐप या फिर वेबसाइट बनाया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि एक फॉरेंसिक लैब सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिसमें कि सारा डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि अपलोड डाटा का एक्सेस केवल पुलिसकर्मियों के साथ साथ अधिकृत पदाधिकारियों को दिया जाएगा। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अपराध अनुसंधान विभाग के सभी अधिकारियों के साथ साथ संबंधित जिलों को यह पत्र भेजा गया है, जिसमें कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी पत्र में यह कहा गया है कि प्रदेश के सभी थानों के अध्यक्ष या फिर ओपी प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि अपराध के मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं या फिर जो अपराधी हैं और सजा काट रहे हैं, उनका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने का आदेश जारी किया गया है। और यह भी कहा गया है कि इसे राज्य अंगुलांक ब्यूरो को ससमय पर जमा करें, यानी कि उन्हें जो है समय समय पर रिपोर्ट करते रहें। इतना ही नहीं, मुख्यालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिला पुलिस की सभी थानों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात कही गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों का फिंगर रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि पुलिस बहुत ही जल्द अपराधियों के रेटिना स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को भी लागू कर सकती है, जिससे कि अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को आसानी हो, उन्हें जो है सहूलियत मिले। तो एक तरह से कह लें कि बिहार पुलिस जो है अब एक नई तकनीक पे काम कर रही है, जिससे कि अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।